धरती से 4 अरब मील दूर एक स्पेसक्राफ्ट अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। इसका टारगेट था एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि सोलर सिस्टम के आखिर में मौजूद प्लूटो की सीमा से भी बाहर था और जो हमारी धरती के जन्म से जुड़े गहरे राज खोल सकता था। लेकिन ये मिशन बहुत जोखिम भरा था क्योंकि 32,000 मील प्रति घंटे की तेज रफ्तार से जाते हुए स्पेसक्राफ्ट में एक चावल के दाने से भी छोटी चीज टकराने पर मिशन फेल हो सकता था। एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसने हमें बौने ग्रह प्लूटो से मिलवाया और काइपर बेल्ट के रहस्यमयी ऑब्जेक्ट को जानने में हमारी मदद की। 1 जनवरी 2019 दुनिया भर के लिए नए साल का पहला दिन, पर नासा की टीम चिंता में डूबी हुई अपने मिशन पर नजरें गड़ाए बैठी थी। ये वो पल था जिसका इंतजार इन्होंने पिछले 13 सालों से किया था। दरअसल वो एक छोटे से स्पेसक्राफ्ट से आने वाले सिग्नल का वेट कर रहे थे जो कि एक जोखिम भरे मिशन पर था जिसका नाम था न्यू होराइजंस। ये स्पेसक्राफ्ट एक ऐसे रहस्यमयी ऑब्जेक्ट के पास से होकर गुजरने वाला था जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर प्लूटो से भी बहुत दूर मौजूद है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में ये स्पेसक्राफ्ट उन चंद मिशन्स में एक था जो धरती से अरबों मील दूर सोलर सिस्टम के भी पार जा चुके थे, लेकिन उनमें इसकी मंजिल सबसे अनोखी और अलग थी क्योंकि ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट के पीछे था जिसके बारे में बहुत कम जानकारी नासा की टीम को थी। ये ऑब्जेक्ट इतना छोटा था कि मानवों का बनाया सबसे ताकतवर टेलीस्कोप हबल भी इसकी बहुत ही धुंधली और छोटी इमेज कैप्चर कर पाया था। इस ऑब्जेक्ट का ऑफिशियल नाम था 2014 MU69, लेकिन न्यू होराइजंस की टीम ने इसे एक अलग नाम दिया था। उन्होंने इसे अल्टीमा टूले कहा जिसका मतलब था सबसे दूर मौजूद सीमा के पार। अल्टीमा उसके जैसे कई ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम के पार मौजूद अरबों साल पुरानी वो टुकड़े हैं जो प्लेनेट बनने से रह गए थे, यानी वक्त की रेत में दफन इन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने से सोलर सिस्टम के अरबों साल पुराने रहस्य खुल सकते थे। लेकिन ये मिशन बहुत रिस्की था क्योंकि 32,000 मील प्रति घंटे की तेज रफ्तार से जाते हुए एक स्पेसक्राफ्ट में चावल के दाने से भी छोटी चीज टकराने पर मिशन फेल हो जाता। लेकिन अब टीम के हाथ में कुछ नहीं था, वो सिर्फ बैठकर इंतजार कर सकते थे और अपनी मिशन की कामयाबी की दुआ कर सकते थे। क्या न्यू होराइजन सफल हुआ? क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाया? आइए इससे पहले जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। ignition 19 जनवरी 2006 केप कैनेवरल से न्यू होराइजन स्पेस प्रोब को लॉन्च किया गया। सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिहाज से यह भी एक शुरुआती मिशन था। इस मिशन के दो टारगेट थे जो सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से में थे। लॉन्च के 87 दिन बाद न्यू होराइजंस मंगल की ऑर्बिट से होकर गुजरा और इसके 2 महीने बाद इसने एस्टेरॉयड बेल्ट को क्रॉस किया। करीब 1 साल बाद यह पहुंचा विशाल ग्रह जुपिटर के पास, जहां इसने जुपिटर के चंद्रमा आयो में होते ज्वालामुखी विस्फोट की इमेजेस कैप्चर की। न्यू होराइजंस बिना किसी मुश्किल के लगातार आगे बढ़ता रहा और इसने 3 और प्लैनेट्स को पार करते हुए करीब 2.5 अरब मील का सफर पूरा किया और आखिर में आकर लॉन्च के 9 साल बाद ही अपने पहले टारगेट प्लूटो और उसके मून के पास पहुंचने वाला था। ये दोनों ही इससे पहले अरबों मील दूर धरती से टेलीस्कोप के जरिए देखे गए थे, जिनकी सबसे अच्छी तस्वीर बस कुछ धुंधले पिक्सल से ज्यादा नहीं थी। लेकिन 2015 की समर तक आते आते ये दोनों न्यू होराइजंस के करीब आते गए और कैमरे में इनकी तस्वीरें साफ होती गईं। अब तक इस मिशन में कोई रुकावट नहीं आई थी, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। लेकिन 4 जुलाई 2015 को, यानी कि प्लूटो के पास से होकर गुजरने वाले दिन से ठीक 10 दिन पहले, टीम ने स्पेसक्राफ्ट के साथ संपर्क खो दिया। ये मिशन में पहली बार था जब कोई ऐसी रुकावट आई थी जिसने टीम को चिंता में डाल दिया।
क्या न्यू होराइजंस किसी चीज से टकरा गया था? क्या वो सही सलामत था? टीम ने जल्द ही पता लगा लिया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। न्यू होराइजंस में लगे कंप्यूटर को टीम ने गलती से ओवरलोड कर दिया था। खराबी का पता तो लग गया था, लेकिन क्या ये खराबी प्लूटो के पास पहुंचने से पहले ठीक हो सकती थी? क्योंकि प्लूटो तक पहुंचने में अब सिर्फ एक हफ्ता रह गया था। इसे जल्दी अंजाम देने के लिए टीम ने डबल शिफ्ट में काम करना शुरू किया। रात को घर न जाकर उन्होंने कंप्यूटर्स को भेजे जाने वाले सभी इंस्ट्रक्शंस को फिर से तैयार किया और उन्हें री अपलोड किया। टीम ने कड़ी मेहनत से सारा काम स्पेसक्राफ्ट के प्लूटो तक पहुंचने की समय सीमा के कुछ ही घंटों पहले खत्म किया। जुलाई 2015। अब सारे इंस्ट्रक्शंस भेजे जा चुके थे और पूरी टीम को इंतजार था स्पेसक्राफ्ट के द्वारा प्लूटो की तस्वीरें भेजे जाने का। टीम के हिसाब से न्यू होराइजंस को प्लूटो के ऊपर से गुजरते हुए जाना था और उसकी तस्वीरें लेकर धरती तक भेजनी थी। न्यू होराइजंस धरती से इतनी दूर जा चुका था कि टीम तक उसके सिग्नल आने में 4 घंटे से भी ज्यादा लगते थे, इसलिए यह इंतजार और भी लंबा हो रहा था। और फिर स्पेसक्राफ्ट से सिग्नल मिलता है। टीम को पता चल गया कि न्यू होराइजंस एकदम सही है और उसने प्लूटो के सिस्टम का काफी डेटा रिकॉर्ड किया है। एक बहुत बड़ी मुसीबत टल चुकी थी। टीम को इस बात से राहत मिली कि उनके मिशन का एक हिस्सा पूरा हो गया था। न्यू होराइजंस ने प्लूटो की शानदार तस्वीरें भेजी जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। ये छोटा सा प्लेनेट जिसकी डायमीटर 1500 मील से भी कम है, अपनी तस्वीरों में एक अनोखी दुनिया के रूप में दिखाई दे रहा था। इस पर चट्टानें दिख रही थी जो कुछ मील ऊंची थी, लेकिन ये पत्थरों की बजाय बर्फ से बनी चट्टानें थी। प्लूटो का सबसे शानदार फीचर था इसकी सतह पर बना दिल के आकार का ग्लेशियर जो नाइट्रोजन और मीथेन गैस से बना है। ये सब जो प्लूटो पर हो रहा था वो धरती के माहौल से काफी मेल खा रहा था। बस फर्क इतना था कि एक नई दुनिया थी जिसमें धरती से बिल्कुल अलग तरह की चीजों से चट्टानी और ग्लेशियर्स बने थे। टीम को इस पर एक ज्वालामुखी जैसा फिगर भी दिखाई दिया जिस पर टीम का अंदाजा है कि यह जरूर बर्फ से बना ज्वालामुखी होगा। इन तस्वीरों ने अरबों मील दूर एक छोटी से प्लेनेट की हमारी कल्पना को पूरी तरह से बदल दिया था। न्यू होराइजंस द्वारा भेजे गए डेटा से टीम ने इसका एक सिमुलेशन तैयार किया। इसमें दिखाया कि प्लूटो के ऊपर से गुजरने पर हमें कैसा एहसास होगा। तस्वीरों से टीम ने जाना कि प्लूटो भले ही छोटा है लेकिन इसके भी भौगोलिक तौर पर कई सारे रूप हैं। लेकिन इनका कारण क्या है? प्लूटो पर भी कई सीजन्स आते जाते रहते हैं, लेकिन ये हमारी धरती की तरह नहीं होते। धरती पर कई तरह के सीजन्स आते हैं। यहाँ बहुत ठंडी सर्दियां हैं और बेहद गर्म मौसम भी, जिनका समय साल में करीबन एक जैसा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती सूर्य के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, लेकिन प्लूटो के साथ ऐसा नहीं है। प्लूटो सूर्य की परिक्रमा एक बहुत ही बेढंगे ऑर्बिट में लगाता है। जब प्लूटो अपने चांद के साथ सूर्य के बेहद पास होता है तब इसकी सतह गर्म होती है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब ये सूर्य से अरबों मील दूर होता है और तब जाकर इसकी सतह बेजान और ठंडी पड़ जाती है। सोचिए इस पर होने वाले मौसम कैसे होते होंगे। गर्मियों में इसके सरफेस से भाप बनकर उड़ती होगी, लेकिन सर्दियां आने पर यह फिर से जम जाता होगा। और ये मौसम बदलने में प्लूटो को 248 साल लगते हैं। जी हाँ, प्लूटो सूर्य का एक चक्कर 248 साल में पूरा करता है। इसीलिए प्लूटो पर मौसम एक लंबे समय तक टिकता है। इसकी जो तस्वीर आज हम देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि प्लूटो आज वैसा ही हो। कुछ 100 सालों में इसकी सतह हमें बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकती है।
इसके अलावा प्लूटो के साथ एक और दिलचस्प तथ्य जुड़ा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लूटो की कोर ठोस और चट्टानी है। सभी तरह की चट्टानों में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनसे एक गर्मी पैदा होती है, तो प्लूटो की कोर से भी एक तय मात्रा में गर्मी पैदा हो रही है। और भले ही प्लूटो का साइज छोटा हो, लेकिन इसकी कोर से निकलने वाली गर्मी इतनी तो होगी जो भौगोलिक तौर पर बदलाव ला सके। साथ ही वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि प्लूटो की बर्फ से बनी सतह के नीचे पानी का समुद्र हो सकता है। वे मानते हैं कि पास्ट में कभी प्लूटो पर इतनी गर्मी रही होगी कि इसकी बर्फ से बनी सतह का कुछ हिस्सा जरूर पिघला होगा, और सतह के सैकड़ों मील नीचे शायद वो पानी आज भी वैसा ही हो। अगर ऐसा है तो एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट का मानना है कि वहां जीवन पनपने और मौजूद होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन ये सारे अंदाजे गलत भी हो सकते हैं। प्लूटो पर जीवन है या नहीं, ये बात आने वाले समय में बहस का विषय बनी रहेगी। प्लूटो के ऊपर से गुजरने वाला मिशन का यह हिस्सा अब लगभग पूरा हो चला था। न्यू होराइजंस की भेजी तस्वीरों ने वाकई इतिहास रच दिया था, लेकिन इसे अभी प्लूटो की एक और ऐतिहासिक तस्वीर लेनी थी। प्लूटो से आगे निकल जाने पर न्यू होराइजंस ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और प्लूटो की एक शानदार इमेज कैप्चर की। इस इमेज से प्लूटो का वायुमंडल दिख रहा था जिसे सूर्य से आती किरणें रोशन कर रही थी। वायुमंडल की धुंध और चट्टानों की परछाई ने एक दिलचस्प और खूबसूरत नजारा बना दिया था। इस तस्वीर ने साबित किया कि प्लूटो एक बेजान प्लेनेट से कहीं ज्यादा है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो न्यू होराइजंस दूर जाते हुए प्लूटो को आखिरी अलविदा कह रहा हो, जिसके बाद इसे अनंत अंतरिक्ष में यात्रा करनी थी। प्लूटो का ये मिशन हमें और अच्छे से समझ आएगा अगर हम इससे जुड़ा इतिहास जाने तो। क्या प्लूटो वाकई एक प्लेनेट है? क्योंकि इसकी खोज की शुरुआत से ही दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे एक पूरे प्लेनेट का नाम देने से नकारा है। वे इसे एक प्लेनेट नहीं मानते। प्लूटो का साइज धरती के चंद्रमा से भी छोटा है, लेकिन इसका साइज ही एकमात्र समस्या नहीं है, बल्कि प्लूटो के फीचर्स बाकी प्लेनेट से मेल नहीं खाते। सभी प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन वहीं प्लूटो एक बड़े बेढंगे ऑर्बिट को फॉलो करते हुए सूर्य के चक्कर लगाता है। प्लूटो ना तो अर्थ और मार्स के साइज का है, ना ही किसी गैसीय प्लैनेट के साइज का। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारी किसी भी प्लैनेट से मेल नहीं खाता। अगर प्लूटो वाकई ऐसा है तो क्या इसके जैसे और भी ऑब्जेक्ट मौजूद हैं? कई सालों तक एस्ट्रोनॉमर्स एक ऐसे ऑब्जेक्ट की तलाश में जुटे रहे जो प्लूटो से मेल खाता हो, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर दो अलग एस्ट्रोनॉमर्स ने इस बात का बीड़ा उठाया, डेविड जूइट और जेन लू। हजारों प्रकाश वर्ष दूर के तारों को देखना आसान होता है क्योंकि उनसे आती रोशनी टेलीस्कोप में नजर आती है, लेकिन साधारण ऑब्जेक्ट को टेलीस्कोप से पकड़ना भूसे में सुई ढूंढे जाने से भी मुश्किल काम है। इसीलिए दुनिया भर के सबसे एडवांस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करने पर भी डेविड और जेन को नए ऑब्जेक्ट ढूंढ निकालने में काफी मेहनत करनी पड़ी। क्योंकि ऑब्जेक्ट की खुद की कोई रोशनी तो होती नहीं है, इसलिए उन पर पड़ने वाली दूसरे तारों की रोशनी जो कि उनसे रिफ्लेक्ट होकर धरती तक आते आते बहुत धुंधली और मंद पड़ जाती है, उसे डिटेक्ट करना कितना मुश्किल काम होता होगा आप खुद सोच सकते हैं। डेविड और जेन ने लगातार 6 साल सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से में प्लूटो जैसी ऑब्जेक्ट्स की खोज की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। पर अगस्त 1992 में उन्हें कुछ दिखाई दिया। मौना की ऑब्जर्वेटरी, हवाई। कैप्चर किया गया इमेजेस का पूरा सेट ये बताता है कि उन्होंने कैसे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखा जो धीमी गति से बाईं ओर बढ़ रहा था। यह एक छोटा ऑब्जेक्ट था जो प्लूटो के पार से सूर्य के चक्कर लगा रहा था। लेकिन ये ऐसा अकेला ऑब्जेक्ट नहीं था, उन्हें ऐसे कई और मिले। दरअसल नेपच्यून का बाहरी स्पेस ऐसे ऑब्जेक्ट से भरा पड़ा था। ये इससे पहले कभी नहीं देखे गए क्योंकि ये बहुत धुंधले दिखाई पड़ते थे। डेविड और जेन ने सोलर सिस्टम के एक बिल्कुल नए हिस्से की खोज की जो काइपर बेल्ट के नाम से जाना गया।
एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि काइपर बेल्ट ऐसे ही छोटे छोटे लाखों ऑब्जेक्ट्स का घर है। जितनी ऑब्जेक्ट्स हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद हैं, उसके भी हजारों गुना ऑब्जेक्ट्स काइपर बेल्ट का हिस्सा हैं, जो कि दशकों से इंसानों से अनजान बने रहे, जब तक कि इन्हें खोजा नहीं गया। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि ये बेल्ट अरबों मील में फैली हुई है और इसमें मौजूद ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से लाखों मील दूरी पर हैं, और इन्हीं छोटे ऑब्जेक्ट्स में से एक है प्लूटो। इसलिए दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स प्लूटो को एक प्लैनेट मानने से इनकार करते हैं। लेकिन इससे प्लूटो की अहमियत कम नहीं होती, बल्कि प्लूटो ही वो ऑब्जेक्ट है जिसने हमें हमारे सोलर सिस्टम के उस हिस्से को खोज निकालने में मदद की जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। दशकों से प्लूटो हमारे प्लैनेट्स के बीच एक अलग सी पहचान लिए काइपर बेल्ट की तरफ इशारा कर रहा था। ये बात आखिर किसे पता थी? पिछले दशक में खोजकर्ताओं ने काइपर बेल्ट के कई ऑब्जेक्ट्स की खोज की जो साइज और शेप में एक दूसरे से अलग थे, और ये सभी अलग अलग ऑर्बिट में सूर्य के चक्कर लगा रहे थे। इनमें से कुछ प्लूटो की तरह बड़े थे, जिन्हें बौने प्लेनेट का नाम दिया गया। काइपर बेल्ट की खोज ने लाखों छोटे छोटे प्लेनेट्स के एक नए संसार का रास्ता खोल दिया, जिसमें से हर एक अपने आप में अलग दुनिया है। किसी पर बर्फ है, किसी पर वायुमंडल है, तो कुछ केतु अपने चंद्रमा भी हैं। इनकी अलग अलग खूबियां ही इन्हें दिलचस्प बनाती हैं, जिनके बारे में सोचने पर ऐसा लगता है कि इनमें से हर एक को जानना बहुत रोमांचक होगा। ये समय की बर्फ में जमे वो टुकड़े हैं जो हमें अरबों साल पुरानी अतीत की झलक दिखा सकते हैं, और इनमें से हर एक को जानना विज्ञान के लिए मददगार साबित होगा। हमें पता लग पाएगा कि हमारा सोलर सिस्टम अपने बनने के वक्त कैसा था। अब मुश्किल यह है कि ये ऑब्जेक्ट्स भले ही लाखों में हों, पर धरती पर मौजूद टेलीस्कोप की मदद से कैप्चर की गई केवल धुंधले और चंद पिक्सल वाली इनकी तस्वीरें ही हमारे पास हैं, जिनसे इनके बारे में कुछ पता नहीं लगता। सोचिए कैसा हो अगर एक स्पेसक्राफ्ट हम ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट के पास भेज पाएं और उसे करीब से जान पाएं। खुशकिस्मती से न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट एक ऐसे ही ऑब्जेक्ट अल्टिमा टूले की खोज में निकल पड़ा था। मिशन का सबसे बड़ा दूसरा मकसद ही अल्टिमा के करीब जाकर उसकी तस्वीरें लेना था। अप्रैल 2011 है। न्यू होराइजन्स प्लूटो के पार जाकर सोलर सिस्टम का सफर बड़ी तेजी से कर रहा था, और तभी एक दिक्कत आती है। न्यू होराइजन्स के अगले टारगेट को लेकर कई चुनौती टीम के सामने थी। इसे जब लॉन्च किया गया था तो अपने टारगेट पर जाने के लिए स्पेस के खास हिस्से की दिशा देते हुए इसे छोड़ा गया था, लेकिन केवल दिशा देने से ही ऑब्जेक्ट तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल, थ्रस्ट और दूसरी चीजें होती हैं जो मिशन के बीच में आगे का रास्ता तय करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को दूसरी दिशा में मोड़ने के काम आती हैं। स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल की एक लिमिट होती है, यानी कि फ्यूल को कब यूज करना है, ये बात मिशन में काफी पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि ईंधन का गलत इस्तेमाल सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। एक बार बेवजह खर्च किए फ्यूल की भरपाई नहीं की जा सकती, क्योंकि धरती से अरबों मील दूर स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल नहीं डाला जा सकता। और क्या गारंटी है कि धरती से इतनी दूर कई सालों बाद इसके सभी फंक्शंस ठीक ठीक काम करेंगे, खास करके थ्रस्ट जिससे इसे मोड़ा जाता है। एक ऐसी ही मुश्किल अब टीम के सामने थी। वो अल्टिमा की खोज में स्पेस के एक ऐसे स्पॉट पर नजर गड़ाए हुए थे जिसमें ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ पाना सबसे मुश्किल काम है। ये मिल्की वे के बीच में है, जहां हर जगह घने चमकदार तारों का झुंड दिखाई पड़ता है जो लाखों की संख्या में है। ऐसे में ऑब्जेक्ट को ढूंढ निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। टीम को अब ये चिंता थी कि 2014 में किसी भी हाल में उन्हें अल्टिमा को ढूंढना है, नहीं तो वे न्यू होराइजन्स को पहले से तैयार करके उसके दिशा में नहीं मोड़ पाएंगे और स्पेस में भटकते रहेंगे। समय तेजी से निकल रहा था तो टीम ने बीच में हबल टेलीस्कोप को ले लिया। केवल हबल में ही वो ताकत थी जो धरती से अरबों मील दूर किसी धुंधले दिखाई पड़ते ऑब्जेक्ट को कैमरे में पकड़ सके। और हुआ भी ऐसा ही।
2014 में ही हबल को प्रयोग करके टीम ने अल्टिमा को ढूंढ लिया। अब वे न्यू होराइजंस को बता सकते थे कि उसे किस दिशा में जाना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था जितना हमें लगता है, क्योंकि अल्टिमा लगातार स्पेस में मूव कर रहा था, और जब न्यू होराइजंस उसके पास पहुंचेगा तो अभी की स्थिति के हिसाब से वो भविष्य में कहां होगा, ये काम बहुत ही प्रिसाइज कैलकुलेशन का है, जिसमें सभी चीजों का ध्यान रखना है। स्पेसक्राफ्ट कितनी तेजी से चल रहा है और आगे चलकर उसकी स्पीड में क्या बदलाव आएगा और अल्टिमा की स्पीड क्या होगी वगैरह वगैरह। ये कैलकुलेशन दिमाग चकराने वाली होगी, जिसे आम इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि सेकंड के एक छोटे से हिस्से भर की गलती पूरा खेल बिगाड़ सकती है। हबल से ली गई इमेज से टीम को अल्टिमा की ऑर्बिट का पता तो लग गया था, लेकिन उन्हें इसके बारे में अभी और जानना था। टीम को कोई आइडिया नहीं था कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और इसकी बनावट कैसी है। वे इसके आकार से बिल्कुल अनजान थे, और ये सब जानने के लिए उन्हें एक आकाशीय घटना होने का इंतजार था, जिसे ऑकल्टेशन कहा जाता है। आइए इसे आसानी से समझते हैं। मान लीजिए आप बीच के किनारे पर बैठे ढलते सूरज को देख रहे हैं। इतने में कोई इंसान आपके सामने से होकर गुजरता है तो उसकी परछाई आपके फेस पर बनती है। ठीक यही चीज ऑकल्टेशन में होती है। जब किसी बड़े स्टार के सामने से कोई ऑब्जेक्ट गुजरता है तो उससे बहुत दूर मौजूद हमारी धरती पर उसकी परछाई बनती है। अगर आप इसकी परछाई के समय और आकार को लेकर सही कैलकुलेशन करें तो आपको पता लग जाएगा कि स्टार के सामने से होकर गुजरने वाला ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था। लेकिन इसके लिए आपको सही समय और सही जगह पर पहुंचना होगा, क्योंकि स्पेस में मौजूद किसी दूर के तारे के आगे से गुजरने पर उस आकाशीय पिंड की परछाई धरती के कौन से हिस्से में दिखाई देगी, इस बात का पता होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट कहां था ये तो टीम को हबल ने बता दिया था, लेकिन वह कौन से तारे की रोशनी को क्रॉस करके धरती पर अपनी परछाई बनाएगा, ये मालूम करना अभी बाकी था। टीम को स्पेस में मौजूद किसी ऐसे तारे की खोज थी जिससे आती रोशनी को अल्टिमा कुछ सेकंड्स के लिए ब्लॉक करे और उसकी परछाई को धरती पर देखा जा सके, और यहीं पर काम आई गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी। गाया स्पेस में मौजूद वो ऑब्जर्वेटरी है जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था। तभी से ये हमारी गैलेक्सी में मौजूद 1 अरब से भी ज्यादा तारों और दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज का 3D मैप बना रही है। तारों की पोजीशन, डिस्टेंस और मोशन को लेकर इसकी गणनाओं की शुद्धता बहुत ज्यादा है। इससे हमारी गैलेक्सी में मौजूद बहुत दूर के तारों के बारे में पता लगाया जा सकता है कि कौन सा तारा कब और किस दिशा में दिखाई देगा। 2017 की समर तक एक ऐसे ही तारे को टीम ने खोज निकाला जिसकी रोशनी के रास्ते से गुजरकर अल्टिमा धरती पर अपनी परछाई बनाने वाला था, और जिन जगहों पर यह परछाई बनने वाली थी उनमें अर्जेंटीना के माउंटेन्स और साउथ अफ्रीका के ग्रामीण इलाके शामिल थे। धरती से 4 अरब मील दूर किसी ऑब्जेक्ट की 2 सेकंड की परछाई को कैप्चर करने के लिए टीम ने बड़ी उम्मीद से कई टेलीस्कोप साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना भेजे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। 54 लोगों की टीम आसमान के साफ होने का इंतजार करती रह गई, लेकिन उन्हें कोई मामूली सी धुंधली परछाई भी दिखाई नहीं दी। जिस तारे की रोशनी को एक पल के लिए ब्लिंक करना था वो लगातार चमकती रही। टीम को इससे थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उन्हें एक और मौका मिला। 10 जुलाई 2017 को एक और ऑकल्टेशन साउथ पैसिफिक ओशन के ऊपर होने वाला था, और इसे केवल सोफिया एयरक्राफ्ट से देखा जा सकता था। सोफिया एक एयरक्राफ्ट में रखे टेलीस्कोप का प्रोजेक्ट है जो धरती से 40,000 फीट की ऊंचाई पर रहकर एस्ट्रोनॉमर्स की हेल्प करता है स्पेस को ऑब्जर्व करने में। इतनी ऊंचाई पर धरती के एटमॉस्फेयर से ब्लॉक हो जाने वाली डिटेल्स साफ नजर आती हैं, और इसी के जरिए न्यू होराइजंस की टीम भी होने वाली ऑकल्टेशन को देखने वाली थी। ये सही समय और सही जगह पर पहुंच गई। सारी तैयारी के साथ टीम को स्टार के ब्लिंक करने का इंतजार था, लेकिन यहां भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया।
हालांकि टीम दो बार फेल हो चुकी थी, लेकिन इनके पास एक और चांस था। अगला ऑकल्टेशन होने वाला था पेटागोनिया में, लेकिन टीम के पास इसके लिए केवल 7 दिन थे। उन्होंने जल्दी से सारी तैयारियां की और अपनी अगली मंजिल पर पहुंच गए। लेकिन यहां पर तेज हवा की दिक्कत थी। टीम ने हवा को हर तरफ से ब्लॉक कर दिया था और इस वक्त उन्हें इंतजार था तो केवल स्टार के ब्लिंक करने का। 45 मिनट इंतजार करने के बाद आखिरकार उन्हें कामयाबी मिली। स्टार ने ब्लिंक किया। इस 1 सेकंड के ब्लिंक के लिए उन्होंने पिछले 6 महीने तैयारी की थी, जिसमें तीसरी बार कोशिश करने पर उन्हें सफलता मिली। इस ब्लिंक को टीम के 5 अलग अलग टेलीस्कोप ने कैप्चर किया। हर एक तस्वीर अलग पर्सपेक्टिव से ली गई, जिनके डेटा को मिलाने से ये पता लगा कि अल्टिमा की लंबाई 20 मील के करीब है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसकी शेप को लेकर सामने आई। एस्ट्रोनॉमर्स किसी गोल ऑब्जेक्ट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यह गोल नहीं था। इसकी शेप बड़ी बेढंगी सी थी, जिसे देखकर ये अनुमान लगाया जा रहा था कि या तो ये दो ऑब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, या फिर ये ऐसी ही बिगड़ी हुई शेप का कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की शेप जो भी थी, लेकिन इसे लेकर एक बात पक्की थी कि हमारे सोलर सिस्टम के करीब 4.5 अरब साल पुराने रूप का वो छोटा हिस्सा है जो हमें हमारे सुदूर अतीत के निशान दे सकता है, उस समय के जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था। वैज्ञानिकों को ये बात पता है कि सोलर सिस्टम के बनने की शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि उनके द्वारा ब्रह्मांड में मौजूद दूर के सोलर सिस्टम्स की तस्वीरें ली गई हैं, जैसे कि HL Tauri, जो हमारी धरती से 450 लाइट ईयर दूर है और एक नया तारा है। ऐसे ही कई ऑब्जर्वेशन से आज हमें पता है कि तारे के चारों ओर जमा धूल और गैसे प्लैनेट्स बनना शुरू होते हैं और इन्हीं प्राइमरी कणों से मिलकर बने हैं अल्टिमा जैसे ऑब्जेक्ट, जिन्हें कुदरत ने हमसे अरबों मील दूर खुले स्पेस में अरबों सालों से प्रिजर्व किया हुआ है। अगर हम इनमें से किसी एक के बारे में जान पाते हैं तो हमें पता लगेगा कि हमारे बनने की शुरुआत कैसे होती है, हम किन चीजों से मिलकर बने हैं और वो कौन सी जादुई रेसिपी है जिससे धरती जैसे प्लैनेट्स बनते हैं। चार अक्टूबर 2018 है। न्यू होराइजंस की अल्टिमा से रूबरू होने में केवल 89 दिन का फासला रह गया था, जहां से इन दोनों के बीच की दूरी 3 करोड़ मील थी, जो बड़ी तेजी से कम हो रही थी। स्पेसक्राफ्ट के नेविगेटर्स अल्टिमा की ऑर्बिट को ट्रैक कर रहे थे। वे बात पक्की करना चाहते थे कि नए साल के पहले दिन पर जब न्यू होराइजंस इसके पास पहुंचे तो किसी भी हाल में इसे मिस ना करे, और इस काम के लिए वे बहुत ही धुंधली तस्वीर पर निर्भर थे जो कि न्यू होराइजंस पर लगे लॉन्ग रेंज टेलीस्कोप लॉरी से आ रही थी। इस तरह की तस्वीरों के साथ तारों के एक घने समूह में अल्टिमा को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल था। तस्वीरों में दिख रहे तारों को पहले से मौजूद कैटलॉग से मिलाने पर यह तो पता चल रहा था कि अल्टिमा इनमें से कहां मौजूद है, लेकिन इसकी भविष्य की लोकेशन का अंदाजा टीम को काफी पहले लगाना था ताकि समय रहते स्पेसक्राफ्ट को इसकी सही दिशा में भेजा जा सके। लेकिन यहां पर एक दिक्कत थी। टीम का पहले का अंदाजा भी थोड़ा गलत साबित हो रहा था। स्क्रीन पर दिख रहा ग्रीन क्रॉस ये बता रहा था कि अल्टिमा की एक्चुअल लोकेशन क्या है, जबकि येलो क्रॉस अल्टिमा को लेकर टीम के अंदाजे वाली लोकेशन को दिखा रहा था। यहां से देखने पर यह फासला बहुत मामूली लगता है, लेकिन ये छोटी सी दूरी स्पेस में दोनों के बीच के 600 मील के फासले को दिखा रही थी। इसीलिए टीम ने फौरन काम करना शुरू किया। उन्होंने आने वाले हफ्तों में स्पेसक्राफ्ट और अल्टिमा दोनों पर ही कड़ी निगरानी रखी और इमेज के हर पिक्सल को बड़े ध्यान से देखकर उसी के हिसाब से आगे नेविगेट किया। अपने अनुभव के आधार पर जो अंदाजा टीम ने लगाया उसके हिसाब से स्पेसक्राफ्ट को अल्टिमा के सरफेस से 2200 मील ऊपर से होकर गुजरना था। अल्टिमा किसी प्लैनेट के मुकाबले बहुत छोटा ऑब्जेक्ट था, इसलिए तब तक कुछ साफ नहीं कहा जा सकता था जब तक कि स्पेसक्राफ्ट इसके पास से होकर न गुजरे।
अगले कुछ हफ्तों तक दोनों के बीच कम होते फासले से ली गई तस्वीरों को न्यू होराइजंस धरती पर भेजता रहा, जिनसे अल्टिमा की शेप को लेकर कई बातें साफ होती गईं। एक जनवरी 2019 और वो दिन आ ही गया जिस दिन सालों की कड़ी मेहनत से अरबों मील दूर भेजा गया स्पेसक्राफ्ट अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला था। सभी लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये इंतजार 6 घंटे का था। जी हाँ, क्योंकि न्यू होराइजंस धरती से इतनी दूर जा चुका था कि उससे आने वाले सिग्नल को यहां तक पहुंचने में 6 घंटे का वक्त लगता। पूरी टीम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ये आस लगाई बैठी थी कि उनकी मेहनत से किया गया काम आज सफल होगा। अब सभी को न्यू होराइजंस से आने वाले सिग्नल का इंतजार था। और फिर टीम को सिग्नल मिला, लेकिन वे इसे कंफर्म करना चाहते थे। स्पेसक्राफ्ट के सभी सिस्टम्स ठीक से काम कर रहे थे। असल में वे ये जानना चाहते थे कि स्पेसक्राफ्ट पर लगे डिजिटल रिकॉर्डर ने कीमती डेटा रिकॉर्ड किया है या नहीं। और टीम को पता लग गया कि न्यू होराइजंस ने अपने कैमरे से ढेर सारा डेटा रिकॉर्ड किया है। अंतरिक्ष की गहराई में सबसे दूर मौजूद मंजिल पर गया एक स्पेसक्राफ्ट आखिरकार सफल हुआ। अल्टिमा की सबसे पहली तस्वीर सामने आई जिसने सभी को चौंका दिया। दरअसल अल्टिमा दो पिंडों के आपस में जुड़ने से बना एक बड़ा ऑब्जेक्ट था, और ये उतना ही बड़ा था जितना कि ऑकल्टेशन से टीम ने अंदाजा लगाया था। टीम इतने सालों से इसी ऑब्जेक्ट की तलाश में थी जिसमें हमारे अतीत के निशान अंतरिक्ष की गहराई में समय की बर्फ में जमे थे। टीम के सभी लोग भावुक थे, उनके पिछले 13 सालों के प्रयास आखिरकार सफल हो चले थे। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट की कहानी हमें एक छोटी सी चीज के पीछे लगने वाले जुनून और मेहनत की कीमत को बताती है। ये हमें बताती है कि कैसे स्पेस की गहराई में अरबों मील दूर मौजूद किसी छोटी सी चीज को ढूंढने का नामुमकिन सपना हकीकत बन सकता है। ये इस सपने के लिए पैदा हुए इस जुनून और पागलपन की हद को दिखाती है जिसमें एक छोटी ऑब्जेक्ट की 1 सेकंड की परछाई को धरती के हर कोने में जाकर पकड़ने का प्रयास किया जाता है। इस मिशन की कहानी हमें बताती है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जरूरत है तो कई सालों की उस कड़ी मेहनत की जिसमें अंजाम की कोई परवाह ना हो। एक जनवरी 2019 से ही न्यू होराइजंस हमें अपने द्वारा रिकॉर्ड किया गया डेटा भेज रहा है, और इसे अपना सारा डेटा भेजने में कुछ महीने का वक्त और लगेगा। टीम का अनुमान है कि ये हमें 2021 तक काइपर बेल्ट के दूसरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता रहेगा। न्यू होराइजंस अब धरती से 6 अरब मील से भी ज्यादा दूर निकल चुका है। ठंडे और अंधेरे अंतरिक्ष की गहराई में 14 किलोमीटर/सेकंड की रफ्तार से ये सेजिटेरियस तारामंडल की ओर अकेला आगे बढ़ रहा है, जो आने वाले लाखों सालों तक अनदेखे और अनजान ब्रह्मांड में इंसान की मेहनत, लगन और जुनून के सबूत देता रहेगा।